बाप ते बेटे ते रूपाक ते नाते आमीन। साडे प्रभु यीशु मसीह दा फजल खुदा बाप ते प्रेम अदे रूपाक दी सांझ तुहाडे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल वी होवे। प्रभु यीशु मसीह विच मेरे प्यारे प्रावत पैणो अज रोजे आंदा समय दा शुरुआत कल राक बुधवार तो शुरू होया और पहले हफ्ते दा वीरवार आज असां मना रहे हां। रोजे आंदा पहले हफ्ते दा वीरवार नूं पवित्र कलाम सानू ये याद दिलाउंदा है कि मेहरबान खुदा सानू साडे जीवन दे सारे दिन उन्नू जानन उदा सेवा करन उदे उस्तद करन अदे उदा वडियाई करन ले मौका दिता है। खुदा ने सानू इस मकसद ले सृष्ट किया ताकि असी उदा महिमा कर सकन। पहला पाठ दे विच असी एस्तर नू वेखांगे जो सर्वशक्तिमान खुदा दे अगे प्रार्थना कर दे नू इसराइल कौम ले प्रार्थना करन वाली एस्तर सचमुच खुदा दी कृपा अदे आशीष प्राप्त करन ले कामयाब हुई। आज दी अंजील दे विच प्रभु ने सानू दसी आए कि मंगो तुहानु दित्ता जावेगा लभो तुहानु मिल जाएगा अदे खड़खड़ाओ तुहाडे लई खोलिया जाएगा। विश्वास भरी जिंदगी जीण लई प्रभु सानू सद्दा दे रहे खुदा दी मर्जी दे मुताबक जिंदगी गुजारन वाले नू आशीष दे बरकत देण दा वायदा भी प्रभु कर दे। कई बार असा प्रभु दी मर्जी जानन तो बावजूद उदे हुक्मां दी पालना करदे हुए जिंदगी गुजारन लई असफल रहिंदा। आइए सोच विचार के इस तपस्या दे समय दे विचों इस इन्हां रोजियां दे दिनां दे विचों नंगे लायकी नाल पासका दा ईद मनावण ले अपने आप नूं तैयार करांगे। सोच विचार के इस पवित्र बलिदान प्रभु दे हजूरी विच लायकी नाल चढ़ावण ले अपने आप नूं तैयार करांगे। अफसोसाई होके आखिए मैं इकबाल करदा हां पूरी कुदरत वाली खुदा अदे तुहाडे अगे ए प्राउत ते पैणो कि मैं सोचन नाल बोलन नाल करन नाल अते अणगहली नाल बहुत गुनाह कीते अपने दोष दे नाल अपने ही दोष दे नाल अपने बहुत वड़े दोष दे नाल इसलिए मैं तन सदा कुआरी मरियम सारियां फरिश्तियां अते संतां अते तुहाडे अगे ए प्राओ ते पैणो मैं बेनती करदी हां कि मेरे लिए प्रभु खुदा दे अगे प्रार्थना करो। पूरी कुदरत वाला खुदा साडे ते दया करे साडियां गुनाह नूं माफ करके सानू सदीवी जीवन वल पंजावे आमीन। हे प्रभु दया कर ऐ प्रभु दया कर हे मसीहा दया कर ऐ मसीहा दया कर हे प्रभु दया कर ऐ प्रभु दया कर असी प्रार्थना करिए। हे प्रभु असी बेनती करदे हां कि तू सानू एक अजिहा रूह बख्श दे जिस नाल असी हमेशा जो सही है उस उत्ते ध्यान करिए
अदे होशियारी नाल उसनु निभाई तेरी मर्जी मुताबक जीवन ले सानु शक्ति दे क्यों जो तेरे तो बगैर असी जी नहीं सकते। साढ़े प्रभु यीशु मसीह तेरे बेटे दे राखी जो तेरे नाल रूप आग दी एकदा विचक कुदा जीवन दा दे राज करता है सदा तुम सदा तिकरम आमीन। पाठ पहला एस्तर दा ग्रंथ उसका 13 8 तो 18 आयत तक। फिर मोरदे कई ने खुदावन दे सारे अचरज कम्मा नु याद करदे होए उस अगे प्रार्थना कीती। उसने कहा हे प्रभु तुसी सारी कायनात नु बनाउन वाले मालक हो सारी दुनिया ते तुहाडी ताकत भरिया हाथ चलदा है। जेकर तू इसराइल नु बचाउना चाहे ता तुहाडी मर्जी सामने कोई भी नहीं टिक सकदा क्योंकि तुसी ही सारी जमीन अते आसमान दे अते आकाश दे थल्ले सब हैरानियां दे रचनहारे हो। प्रभु तुहानू पता है कि मैं ना अपने कमांड अते ना अखड़पुना कारण अते ना ही शान दे शौक कारण हमान दे सामने चुकन तो इनकार कीता। जेकर मैनू इज़राइल दी खातर उस कमंडी हमान दी जुत्ती वी चुमनी पैंदी ता मैं अजेहा करदा पर मैं इस तरह इसलिए कीता क्योंकि मैं खुदा दी महिमा तो अगे मनुख दी महिमा नू महत्व नहीं देना चाहुंदा सी। हे प्रभु तेरे तो बिना मैं किसे अगे भी सिर नहीं चुकाया। मैं कमांड नाल इस तरह नहीं कीता हुन हे मेरे प्रभु खुदा अब्राहम दे खुदा साड़ी कौम नू बचा लै साडे दुश्मना दियां अखां साडे ते लगियां हन अते ओ साडा सर्वनाश कर देना चाहुंदे हन। ओ तेरी उस विरासत नू मिटा देना चाहुंदे हन जो मुड्डो तेरी सी। हुन हे मेरे प्रभु खुदा अब्राहम दे खुदा साड़ी कौम नू बचा लै साडे दुश्मना दियां अखां साडे ते लगियां हन अते ओ साडा सर्वनाश कर देना चाहुंदे हन। ओ तेरी उस विरासत नू मिटा देना चाहुंदे हन जो मुड्डो तेरी सी। उहनां लोकां नू ना छड्ड जिन्हां नू तू अपने लई मिस्र विचों कढ लियाया सी। प्रभु मेरी दुआ सुन अपनी विरासत ते रहम कर साडे इस शौक नू जशन विच बदलन दी कृपा कर जिस नाल असी जीउंदे रहिए अते तेरे नाँ दी उस्तत दे गीत गा सकीए। जिहड़े मूँह तेरी उस्तत करदे हन उहनां दा नाश ना होण दे। सारे इसराइली भी उच्ची आवाज़ नाल दुहाई देण लगे क्योंकि उहनां नूं अपनी मौत सामने दिखाई दे रही सी। ए प्रभु दी बाणी है खुदा दा शुकर होवे। अनुवचन जिस दिन मैं तेनु पुकारिया ए प्रभु तू मैनु उत्तर दिता। जिस दिन मैं तेनु पुकारिया ए प्रभु तू मैनु उत्तर दिता। ए प्रभु मैं अपने सारे दिल नाल तेरा धन्यवाद करदा हाँ क्योंकि तू मेरी सुनी है। मैं स्वर्ग दूतां दे सामने तेरी वडियाई करांगा मैं तेरी पवित्र हैकल वाल मत्था टेकांगा। अनुवचन जिस दिन मैं तेनु पुकारिया ए प्रभु तू मैनु उत्तर दिता। मैं तेरी दया दे कारण अते तेरी वफादारी दे कारण तेरे नाम दा धन्यवाद करांगा क्योंकि तू सब तो उत्ते अपने नाम अते वचन नू उच्चा कीता है। जिस दिन मैं तेनु पुकारिया तू मैनु उत्तर दिता तू मैनु बल दे के मैनु दिलेर बनाया। अनुवचन जिस दिन मैं तेनु पुकारिया ए प्रभु तू मैनु उत्तर दिता। तेरा सज्जा हाथ मेरा बचा करदा है प्रभु तू मेरे लिए अपने उद्देशा नु पूरिया करेगा। ए प्रभु तेरी दया सदीपक है तू अपने हत्थां दे काम नु
अद विच ना छड। अनुवचन जिस दिन मैं तेनु पुकारिया ए प्रभु तू मैनु उत्तर दिता। जयकारा ए मसीहा तेरी वडियाई अते उस्तत होवी। ए मसीहा तेरी वडियाई अते उस्तत होवी। ए खुदा तू मेरे अंदर शुद्ध मन पैदा कर अते अपनी मुक्ति दा आनंद मैनु फिर दे। अनुवचन ए मसीहा तेरी वडियाई अते उस्तत होवी। प्रभु तुवाडे नाल होवे अते तुहाडी रूह दे नाल वी होवे। पाठ पवित्र अंजील दा संत मत्ती दे अनुसार तेरी वडियाई होवे ए प्रभु। प्रभु यीशु ने कहा मंगो अदे तुवाने दित्ता जावेगा, लब्बो अदे तुवाने मिल जावेगा, कटकड़ाओ अदे तुवाड़े ले खोलिया जावेगा, क्योंकि हर कोई जो मंगदा है वो पाउंदा है, अदे हर कोई जो लभदा है उसनु मिलदा है, अदे जो कटकड़ाउंदा है उसले खोलिया जांदा है। जा तुवाड़े विचो एहो जिहा कौन है जेकर उसका पुत्र उस कोलो रोटी मंगे ता उसनु पत्र देवेगा, जा जेकर वो मच्छी मंगे ता उसनु सप देवेगा। जेकर तुसी बुरे होके भी अपने बच्चियां नु चंगियां चीजां देना चाहते हो ता किनियां वद चंगियां चीजां तुहाडा बाप जो स्वर्ग विच है तुहानु देवेगा जो उस तो मंगदे हन। इसलिए जो कोई तुसी चाहते हो कि लोग तुवाडे लई करन, तुसी भी उस तरह उन्हां दे लई करो, क्योंकि एहो ही धर्म विधान अदे नबियां दी सिक्ख्या है। प्रभु दी अंजील। तेरी महिमा होवे ए मसीहा। मंगो अदे तुवानु दित्ता जावेगा, लब्बो अदे तुवानु मिल जावेगा, कड़कड़ाओ अदे तुवाडे ले खोलिया जावेगा। प्रभु यीशु मसीह विच मेरे प्यारे भराओ ते भैणो, अज रोज आंदा पहला हफ्ते दा वीरवार, पहला पाठ एस्तर दी ग्रंथ उदा 14 बाब दी 12 तो 19 तक, अदे अंजील संत मत्ती दी अंजील उदा 7 बाब दी 7 तो 12 तक असी सुनिया। राणी एस्तर ने अपने विश्वास भरी जिंदगी दा उत्तम मिसाल आज दे पहले पाठ दे राखी साढ़े सामने पेश किया। सर्वशक्तिमान खुदा ते विश्वास रखती हुई अपने कौम लई प्रार्थना करन वाली राणी एस्तर नू असी आज दे पहले पाठ दे विच वेखिया। उन्हें ओ मंग कीती ताकि खुदा दा उस्तत उदा महिमा अदे चुने हुए कौम दी इज्जतमान इस दुनिया दे विच होवे। आज दी अंजील दे विच प्रभु यीशु मसीह ने सानू एक अजिहा सिख्या दिता कि खुदा साडे लई ओ काम करन लई सदा उत्सुक रहिंदा है। जदों भी कोई लोड़वंद भरोसा रख के खुदा दे अगे प्रार्थना करेगा ओनू सुनेंगे। इत्थे खुदा दा उपदेश इस तत्व दा आधार है कि असी ओ कर रहेगा जो उसकी पवित्र इच्छा दे अनुसार होवे।
जो भी असी मंगर दे हां ओदा मर्जी दा विरुद्ध ना होवे ता साड़ियां प्रार्थनावां दा जवाब सचमुच सानू मिल सकता है। आओ असी इस गल नू मनिए कि असी जो प्रार्थना करदे हां वो चंगा होवे अदे खुदा दी पवित्र इच्छा दी अनुसार होवे। प्रभु यीशु मसीह ने इस अंजील दे राही ये स्पष्ट कर दिता है कि सानू कदी भी किसे चीज की कमी नहीं होवेगी जिसले असी उसके नाम विच प्रार्थना करते रहे। जदों असी मंगते हाँ वो सानू मिलेगा, जे असी लभदे हाँ असी लभ पैंदे हाँ। नाले जदों असी जिस दरवाजे नू कड़कड़ावेगा वो साडे लई खोलिया भी जाएगा। कई बार असी ये गल नू महसूस करदा है कि मंगण तों बावजूद प्रभु होर कोई तरीका नाल साडे मंग नू पूरा करदा। उहदा मतलब ये नहीं कि प्रभु साडे नाल बुरा वर्ताव कर रहे या साडी प्रार्थना नू सुनदे नहीं, नहीं वो साडी भलाई सोचदा। जो भी खुदा करदा चंगा करदा, ये सच्चाई नू असी कदी भुलना नहीं चाहिए। सानू सिर्फ परमेश्वर ते भरोसा रखने की जरूरत है और खुदा सानू साडे जीवन दे सारे दिन उन्नू जानन, उन्नू प्यार करन, उदा सेवा करन अदे उसकी उस्तद करन ले सृष्ट कीता है। सर्वशक्तिमान खुदा ने यह सारे प्रबंध नू इस मकसद ले सृष्ट कीता कि उदा प्यार नू प्रगट करे और मनुख जाति नू सब तो उत्तम सृष्टि वांग इसलिए रेजिया ताकि असी वो प्यार अनुभव करे, वो प्यार नाल रंगित होवे, अदे वो प्यार दूजिया नाल सांझा करे और प्रभु दा महिमा गाना, उदे उस्तद करना, उदे आज्ञाकार होके जिंदगी गुजारन नाल पूरा हो सकता। दरअसल यीशु सानू कल्पना कर दे कि खुदा इस संसार दी हर चीज दा मालक अदे असी उसकी इच्छा जदों पूरी करेगा वो साड़ी भलाई ले कुछ भी करन ले तैयार होएगा। जिस तरह माँ बाप अपने बच्चियां दा बेनती नू सुनदे ने पर कोई भी चीज जो बच्चे नू हानि पहुँचाउंदा उन्हूं नहीं देना, सगों कोई चंगियां चीज़ां देण लई कोशिश करना। जिदा मंजील दे विच प्रभु ने दसिया सप मंगेगता माँ बाप बच्चे नू देना नहीं, यानी मच्छी मांगे तो सप नहीं देना सगो सप मांगे तो मच्छी देना। यानी जो बच्चे नू या सानू साड़ी पलाई ले जरूरत है उन्हां चीज़ां नू प्रभु सानू देना। जदों मसी साड़ा दरवाजा बंद है अगे जाना सानू मुश्किल है, असी उदां दा मुश्किल घड़ी दे विच खड़े ने, असी एक कुटकार रहे ने, शायद वो बुआ प्रभु साढ़े लिए खोलना नहीं जिस बुए च साढ़े लिए खतरा है। प्रभु साढ़े लिए वो बुआ खोलना जो साढ़े लिए फायदेमंद है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये साफ दसिया मंगो तुहानू दिता जाएगा, लभो तुहानू मिल जाएगा, अरे कड़कड़ावो तुहाड़े लिए खोलिया जाएगा। एक दरवाजा बंद हो गया असी अफसोस होने की लोड़ नहीं, प्रभु साढ़े लिए दूजा दरवाजा खोलना है, साड़ी पलाई वो सोचना है। इसलिए पूरा विश्वास नाल मंगन लई इस इन्हां रोजियां दे दिनां विच असी प्रभु दा मर्जी नू जानन लई कोशिश करना। तपस्या दे इस चला पछतावा करन दा समा है और तपस्या दे चिले दे विचों नंके असी अपने जिंदगी नू प्रभु दा मर्जी अनुसार अगे ले जाने कोशिश करना।
आई ऐसी इस पाकमास के दौरान प्रार्थना करिए, ये प्रभु यीशु मसीह असी जो काम करते हाँ उस द्वारा असी तुहानु प्यार करते हाँ, सेवा करते हाँ, उस्तत करते हाँ, अदे तुहाडे द्वारा सानू दित्ते गए ये सुसुगा दे खुशखबरी असा अपना जिंदगी दे विच लागू करने लई कोशिश करांगा। प्रभु सानू तुहाडे ते भरोसा है, अदे जदों भी असी किसे बंद दरवाजे ते दस्तक दिंदे हाँ तां साडे लई खोलिया जावे, साडा विश्वास भरी जिंदगी नू होर वधावे और सानू सारिआं नू आशीषां नाल मलामाल करे। प्रभु तुहानु सारिआं नू बरकत देवे, आमीन आमीन। प्यारियो प्रार्थना करो ताकि सर्वशक्तिमान खुदा बाप साडे कुर्बानी नु पवन करे। प्रभु इस कुर्बानी नु तुहाडे हथां विचों अपने नां दी उस्तत अते वडियाई लई अते साडे ते सारी पाक कलीसिया दी पले लई कबूल करे। हे प्रभु, जो लोग तेरे कोल अरदासां लेके आउंदे हन उनां उते तरस खा, अपने लोगों दियां कुर्बानियां मदे प्रार्थनावां नूं कबूल करके असां सारिआं दे दिलां नूं अपने वल मोड़ ले, साडे प्रभु यीशु मसीह दे राही। आमीन। प्रभु तुहाडे नाल होवे, अते तुहाडी रूह नाल भी होवे। तुसीं अपना दिल प्रभु वल लगाओ। असीं अपने दिल प्रभु वल लगाउंदे हां। असीं अपने प्रभु खुदा दा धन्नवाद करिए, इह सही अते योग है। हे प्रभु पवित्र बाप पूरी कुदरत वाले दे अकाल खुदा, इह सचमुच सही दे योग्य मुक्ति पाउण दा राह है कि असीं हर वेले दे हर थां यीशु मसीह अपने प्रभु दे राह की तरह धन्नवाद करिए। हर साल तू सानू ये आनंद भरिया समा दिंदा है तां जो इस विच असी नवीन किते मन अदे दिल नाल पासका पैदा नू सही ढंग नाल मनावण दी तैयारी करिए। ये बाप तू सानू अपनी प्यार भरी भक्ति दा जज्बा दिंदा है अदे अपने गुआंढियां दी प्यार भरी सेवा होर उद्यमी ढंग नाल करन दा फजल दिंदा है। जिवें असी उन्हां घटनावां नूं याद करदे हाँ जिन्हां मसीह विच सानूं नवजीवन दित्ता है तां जो साडे विच अपने बेटे दे सरूप नूं पूरी तरह ढलदा है। इसलिए फरिश्तियां मदे महाफरिश्तियां सुरगी दियां सारियां संतां दे सारे सुरगीय लश्करां नाल मिल के तेरे महिमा दे गीत गाउंदे होए ये ऐलान करदे हाँ।
पाक 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 लश्करां दी प्रभु खुदा स्वर्ग दी धरती तेरे जलाल नाल भरपूर हन उचाइयां विच हो सना मुबारक है ओ जो प्रभु दे नां उते आंदा है उचाइयां विच हो सना हे प्रभु तू सचमुच पवित्र है अरे सही है कि सारी सृष्टि तेरी बड़ियाई करे तेरे बेटे साढ़े प्रभु यीशु मसीह दे राहीं दे रूप पाक दी कुदरत नाल तू सारे संसार नू जीवन बख्शता दे पा करदा है तू लगातार अपने लिए प्रजा इकट्ठी करदा रहिंदा है तां जो चढ़द सूरज तो लेके लेंदे तके कि शुद्ध गुरबाणी तेरे पवित्र नाम दे लई छड़ाई जावे इसलिए प्रभु असी हलीमी नाल तेरे अगे मिन्नत करदे हाँ अपनी मेहर नाल वही रूप पाक दे राही ना नजराने नू पवित्र कर जो असी तेरे पाक जूरी विच लेके आए हाँ तां जो ये तेरे बेटे साढ़े प्रभु यीशु मसीह दा वदन अदे लघु बन जावे जिस दे हुक्म नाल असी इना पैदा नू मनांदे हाँ जिस रात उसका विश्वासघात किया गया उसने रोटी ली तेरा धन्यवाद कर दिया बरकत दिती रोटी तोड़ी अदे अपने चेलियां नू दिती ये कहिंदे होए तुसी सारे लो अदे इस विचों खाओ क्यों जो ये मेरा वदन है जेड़ा तुआडे लई कुर्बान किता जावेगा इसी तरह भोजन करण तो बाद उसने प्याला लिया तेरा धन्यवाद कर दिया बरकत दिती प्याला अपने चेलिया नु दिता ये कहिंदे होए तुसी सारे लो अदे इस विचों पीवो क्यों जो ये मेरा लहू दा प्याला है नवे अदे सदीवी नेम दे लहू जो तुहाडे अदे बहुदयां वास्ते गुनाह दी माफी लई वाया जावेगा मेरी याद विच ये क्रिया करो ईमान द पेद ए प्रभु असी तेरी मौत दा ऐलान करदे हां अते तेरे जी उठन दी मुनादी करदे हां जद तक तू फिर आवेगा इस लई ए प्रभु असी तेरे बेटे दे मुक्तिगारी दुख भोग उस ते जलाली जीवन दे स्वर्ग विच चढ़ जान दी यादगारी मनांदे आ अदे उस ते दूजी बार आउन नू ठीकते होए तेरा धन्यवाद करदियां ये जीवन दी अदे पवित्र गुरबाणी ते नी चढ़ावंदे आ असी बेनती करदे हाँ कि तू अपनी कलीसिया ते चढ़ावत नजर कर अदे इस कुरबानी वेले लेने पजान जिस दी कुरबानी तो राजी होके तू साडा अपने नाल मेल कराया है बख्श दे कि असी तेरे बेटे दे बदन दे लोगों नाल रजाए हुए अदे उस ते रूप आग नाल परिपूर होके मसीह दे विच एक शरीर अदे एक रूप बन जाइए ओ सन त्रेलिक सदीव नजराना बनावे तां जो असी तेरे चुने हुआं नाल खास करके तन कुमारी मरियम खुदा दी मां दे नाल उस कुमारी दे मुबारक वरसन दी यूसुफ दे नाल तेरे दे रसूलां नाल ते जसी शगीदा नाल महापरिसर संत मिखाइल संत थॉमस संत पैट्रिक संत फ्रांसिस संत दानिन संत अल्फोंस संत तेरेसा दे तेरे सारे संतां नाल उन्हां दे विरसे दे वारिस बन जाइए इन्हां वल्लों तेरी गजूरी विच लगातार कीती जाण वाली सिफारिश दी यकीनी मदद उत्ते असी भरोसा रखते हाँ प्रभु असी बेनती करते हाँ कि साठ मुठ मिला दी एक कुर्बानी सब दुनिया की शांति दे मुक्ति लिए असरदायक होवे तू कृपा करके इस धरती ते फैली अपनी यात्री कलीसिया नू अपने सेवक साढ़े संत पापा फ्रांसिस नू साढ़े बिशप फ्रेंगो साढ़े रसूले संचालक एक्नलो कुल दुनिया के बिशपां पुरोहितां अदे सब लोगों ने जिन्होंने तू अपना बना लिया है ईमान दे प्यार विच मजबूत बनावण दी मेहरबानी कर कृपा करके इस परिवार दी आम प्रार्थनावां नू कबूल कर जिसने तू अपने सामने सदन दी मेहर कीती है दयालु बाप संसार परदे विच किलरे होए अपने सारे बच्चियां नू अपने कोल इकट्ठा करन दी कृपा कर साढ़े सारे मयोए भैन भरावां अदे उन्हां सारिआं नू जिहड़े तैनू खुश कर दियां इस संसार विचों चलाणा कर गए हन मेहर नाल अपने राज विच दाखल कर उत्ते असी तेरी बड़ी शान दी खुशी विच सदा निहाल रहने उम्मीद रखते हाँ
साढ़े प्रमसिद राज जिस तरह दुनिया नू हर चंगी दात बख्शता है। उसे मसी दे राही उस दे नाल दे उस दे विच तैनू ये सर्व शक्तिमान बाप रूपाक सनेक कुदा सब उस तदा दे वडियाई दित्ती जांदी है सदा तोम सदा तीक आमीन। साडे मुक्ति दा दे दे हुक्म दे मुताबक अदे उस ती कुदाई सिख्या दे अनुसार असी ये आखन दे दलेरी कर दे हाँ ये साडे बाप जिड़ा आसमान उते है तेरा नाम पाक मनिया जावे तेरा राज आवे तेरी मर्जी जिस तरह आसमान उते पूरी हुंदी है जमीन उते भी होवे साडी रोजी रोटी आज सानू दे साडे कसूर सानू माफ कर जिस तरह असी अपने कसूर वारा नू माफ कर दे हाँ सानू अजमाई सूचना पा ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਤੰਜ ਦਰ ਦਇਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੀਏ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਸੁਰਖਤ ਰਹੀਏ ਜਿਵੇਂ ਮੁਬਾਰਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਦੀ ਆਵਣ ਦੀ ਉਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਰਾਜ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਜਲਾਲ ਯੁਗੋ ਯੁਗ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਖਦਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਤੂੰ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤਿਕਰ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਲਾਮ ਦੇਈਏ। ਐਲੀਲੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐਲੀਲੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐਲੀਲੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ। ਵੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਲੇਲਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਆਵੇਂ ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਖ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਆਲੀ ਚੁਪੀ
असी प्रार्थना करिए। हे प्रभु साढ़े खुदा, तू इना दी पवित्र वेदा नूं साड़ी नजात दी अमानत वजों सानू दिता है। बख्श दे कि ये हुण अदे आवन वाले समय दे विच वी सानू चंगा करन वाला इलाज बन जावे। साढ़े प्रभु येसु मसीह दे राही आमीन। प्रभु तुवाडे नाल होवे। अति तुहाडी रूह नाल भी होवे। सर्वशक्तिमान पाक तसलीस खुदा बाप ते बेटे ते रूह पाक दी आशीष तुसा सारे दे होवे दे सदा तुवाडे नाल रहे आमीन। याद कर, याद कर ए नहायत मेहरबान कुआरी मरियम, पे कदे नहीं सुनिया गया कि कोई भी तेरी पनाह लभदिया, तेरी मदद चाहदिया, तेरी सिफारिश मंगदिया, तेरे तो खाली क्या हो गई। ए कुआरी कुआरियां दी अति मेरी मां, इस तसल्ली नाल मैं तेरे को नसी आनी हां, अति तेरे के खलो के मैं गुनाही रोंदी हां। ए दे तारे वे कलाम दी मां, मेरी अर्जन होती ना जान, सगो मेहरबानी नाल सुन अति कबूल कर आमीन। कुमारी मरियम शांति दी रानी साडी लई दुआ कर। समुचे कलीसिया दे सरप्रस्त संधि यूसुफ साडी लई दुआ कर। सारे फरिश्तिया दे संदो साडी लई दुआ करो। मसीह दे शांति नाल जाओ। खुदा दा शुक्र होवे।